हेलो एंड नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज है संडे और कल हम गए थे बर्थडे पार्टी में किट्टू की, तो आपने वो वीडियो देखी होगी। और आज है संडे, तो संडे सैटरडे को ऐसा होता है कहीं जाना वाना, तो फिर सैटरडे संडे को ही जाना होता है। और हम लोग मोस्टली सैटरडे संडे ना घर में रहते ही नहीं है, कहीं ना कहीं घूमने निकल ही जाते हैं। तो आज हम लोग जा रहे हैं, मेरे बुड्ढा जी हैं जो कि झिलमिल रहते हैं, तो उनका घर भी हमने काफ़ी टाइम से गई नहीं थी और उनकी थोड़ी बीच में तबीयत भी ख़राब थी, तो मैंने कहा चलो आज उनको देख के भी आते हैं, मिलकर आते हैं सबसे और उनका घर भी देख कर आते हैं। तो आज वहीं जा रहे हैं। अभी तो मौसम इतना गर्म हो रखा है, मतलब गाड़ी में ऐसी चल रहा है पर फिर भी वही है, गर्मी हो रही है। और फिर है, देखते हैं, मूवी देखने का प्लान है, अभी पता नहीं है जाते कि नहीं जाते हैं, बट फिलहाल अभी वहाँ जाएंगे। और आराध्य को अभी यहाँ पे फ्रूट्स लेने लगे हैं, तो मैं और आराध्य और आराध्य के पिताजी जा रहे हैं। है ना आराध्य, और कुछ बोलना चाहते हो? दिल्ली में इतनी गर्मी हो रही है और सागर में जो मेरे से छोटी वाली सिस्टर है ना, वो भी वहीं पर है, तो वहाँ पे मतलब इतना अच्छा मौसम हो रहा है ना, इतना ठंडा मौसम हो रहा है। जो छोटी घुघुती है ना, उसको फुल बाजू की कपड़े पहना रहे हैं, इनर्स वगैरह पहना रहा है, तो उसको देख के जैसे वीडियो कॉलिंग में उसको देख रही हूँ तो मुझे लग रहा है काश मैं भी वहाँ पहुँच जाती। आराध्य का स्कूल नहीं होता तो फिर मैंने भी इस टाइम चले जाना था वहाँ पर वही है, बच्चों के स्कूल हो गए हैं तो फिर अब जब छुट्टी रहती है तभी जाना होता है, वो भी समर्स में ही रहती है, तो वही है। अभी अच्छा है, उसकी बेटी छोटी है तो अभी जा सकते हैं। और ऐसे मतलब इधर तो गर्मी में, दिल्ली में तो इतनी गर्मी है ही, तो अच्छा है कि कुछ टाइम वहीं रहें अपना आराम से थोड़ा, क्योंकि बच्चों को रहता है ना गर्मी वर्मी ज़्यादा लगती है, वहाँ मौसम अच्छा है तो मैंने कहा अच्छा है थोड़ा रह लें, क्योंकि फिर आना तो दिल्ली है गर्मी में। तो वही है, गर्मी के सच में बहुत बुरे हाल, बाहर देख के लग नहीं रहा है कि इतनी गर्मी है, मतलब मौसम ऐसा लग रहा है कि बारिश वाला, बट लेकिन जो गंदी वाली उमस पड़ रही है ना, मतलब जो जून में जो पड़ती है गर्मी वो फिर भी थोड़ा सही लगती है, ये वाली गर्मी जो ये उमस वाली ह्यूमिडिटी वाली गर्मी बहुत बुरी है, पसीना 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 बहुत पसीना आता है। मुझे तो आराध्य और लेने लगे हैं फ्रूट्स लेते हैं फिर निकलते हैं। हम फर्स्ट टाइम जा रहे हैं, मुझे पता नहीं है, रुक जा बेटा, हम फर्स्ट टाइम जा रहे हैं तो पता तो है नहीं मुझे, तो मैंने भी मामा जी से लोकेशन मांगा है तो उसके अकॉर्डिंग चलते हैं और फिर मिलते हैं। वो देखो मेरी मामी भी मेरी मामी भी मिल गई हमें, चलते हैं। तो हम लोग पहुंच गए थे गुड्डी चोरों के यहाँ, मैंने खाना वाना खा लिया है और यहाँ देखो ये है सोना, सोना हेलो बोलो। आराध्य को फ्रेंड मिल गई है और पता है इतनी प्यारी है ना, हम लोग को पानी देने भी आई, कोल्ड ड्रिंक देने भी आई, फिर उसके बाद ना ग्लासेस भी उठा रही थी। है ना आराध्य, क्या सीखा आपने? काम करना चाहिए ना मम्मा की हेल्प। तो अब हम लोग जाने लगे हैं घर, और ये है मेरे बुड्ढा जी का घर, बाहर से देखो कितना मस्त है, खुला खुला बिल्कुल। ये रही हमारी बुड्ढी जी, बुड्ढी जी हेलो बोलो। हेलो। तो अब जाने लगे हैं, अब याद आ रहा है, मैंने कहा थोड़ा थोड़ा सा वीडियो बना लेती हूँ सबकी। और मामी देखो हम लोग को कहाँ मिली, हम लोग जैसे ही आए हैं गेट में और हमें मामी मिल गई। हेलो बोलो मामी। हाय। कैसे हो? बढ़िया, ठीक है। तो मामी मामा दोनों आ रखे हैं, हम लोग को गेट पे ही मिल गए थे। मामी की बेटी नहीं आ रखी अंजलि, और मामी का बेटा है वो रहता है दुबई में, उसको अक्टूबर में मिलेगा। और ये रहे मामा जी, मामा जी हेलो बोलो। हेलो। तो मामा जी भी आ रखे हैं, सोना से तो बात कर ली। ये रहे हमारे बुड्ढा जी, हेलो बोलो बुड्ढा जी। हेलो। तो बुड्ढा जी का भी ऑपरेशन हुआ था, किस चीज़ का बुड्ढा जी? हर्निया का ऑपरेशन हुआ था, तो बुड्ढा जी से मिलने आए थे हम। अब बुड्ढा जी बिल्कुल फिट हैं। अरे आपका नहीं आया है, आ जाओ। ये हमारी मामी जी, मामी जी हेलो बोलो। हेलो। मामी जी आप बच्चों के साथ देखो कितने अच्छे से मस्त लगा रहे थे। हेलो बोलो आप भी, हेलो बोलो। क्या नाम है आपका? देखो आप टीवी में आओगे, टीवी में देखते हो आप, आपकी वीडियो आएगी, देखो जब आप बहुत बड़े हो जाओगे ना फिर भी आएगी। हेलो तो बोल दो, अपने आप को देख रही है। चलिए आराध्या, नहीं नहीं अब चलना है, नहीं हाँ इसका मन कर रहा है। तो ये मामा मामी चले गए, इनको कड़काडुमा स्टेशन छोड़ दिया हमने, मेट्रो स्टेशन।
ये लिए आ रही हो आगे। सो मैंने कहा था वहाँ से जाने के बाद शायद हम मूवी देखने जाएंगे, बट लेट काफ़ी हो गया था तो फिर हम लोग सीधे घर ही आ गए थे, कहीं नहीं गए थे। और नेक्स्ट डे था इंडिपेंडेंस डे। आज है 15 अगस्त। सो आप सभी को इंडिपेंडेंस डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। राधा अभी बोलो हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। अभी ना थोड़ा लाड़ वाले मोड में, इस वजह से बच्चों जैसा बोल रही है। तो राधा कर रही है यहाँ होमवर्क, और आज बारिश हो रही है दिल्ली में। एक्चुअली हुआ क्या, सुबह राधा हमारे नीचे फंक्शन होता है तो राधा वहाँ गई थी, तो आराध्या का ऐसा कुछ था नहीं कि वो पार्टिसिपेट करेगी। फिर वहाँ जाके उसको मन करने लगा कि सब बच्चे डांस कर रहे हैं तो चलो मैं भी करती हूँ। तो आराध्या अपनी दादी के साथ गई थी, मैं नहीं जा पाई थी क्योंकि थोड़ा काम था। तो फिर मैंने कहा मम्मी जी आप लेके चले जाओ, तो आराध्या और आराध्या की दादी गए थे। और फिर वहाँ जाके ना उसने नाम लिखवा दिया वहाँ पर कि इनको परफॉर्म करना है। तो फिर मम्मी जी का फ़ोन आया, मम्मी जी ने कहा कि एक अंकल तू आ जा उसका वीडियो बना लियो। तो मैंने कहा ठीक है, और मैं इतने फटाफट से जल्दी से नहा वहाँ के मैं गई हूँ, इतने स्पीड में गई हूँ, नीचे ही पार्क है पास में ही है, इतने स्पीड में गई हूँ। जैसे ही वहाँ पहुँची हूँ और बारिश शुरू, और आराध्या का मतलब नेक्स्ट आराध्या का ही नंबर था, आराध्या का नंबर था पहले भी था, बट मैंने मम्मी जी को फ़ोन किया था, मैंने कहा मैं आ ही रही हूँ बस। तो फिर उधर बोल दिया मम्मी जी ने कि एक काम करो, एक दो परफॉर्म के बाद आराध्या का परफॉर्मेंस करवा देना। तो उस चक्कर में ना बारिश हो गई, फिर थोड़ा सा रुका तो वो डीजे वाले कहने लगे कि फिर हमारे उसमें साउंड में मतलब पानी वानी जा रहा है, तो इस चक्कर में बंद हो गया। तो फिर वापस आ गई आराध्या सैड समो बना के। बट लेकिन आराध्या को आज क्या गिफ्ट मिला बताओ? टॉफी और क्या? आराध्या को आज मिला वहाँ पे चिप्स मिला, वहाँ पे समोसे वगैरह भी मिल रहे थे, तो फिर मम्मी जी ने तो लिए नहीं। और क्या था, टॉफ़ी मिला और एक रोल ऑन नीविया का रोल ऑन मिला है, तो वो गिफ्ट में बच्चों को मिला है। तो फिर वो बस वो गिफ्ट लेके फिर हम घर आ गए। बारिश होने लगी थी, गीले हो गए थे कपड़े, गीले हमारे भी कपड़े गीले हो गए थे। तो घर जैसे ही आए हैं तो अब मैंने खाना बनाया है, तो खाने में आज बनाया मटर पुलाव, क्योंकि सुबह हम लोगों ने आलू के परौंठे खा लिए थे तो वही हैप्पी से हो गया था। तो और आज हमारे यहाँ, हमारे जो जहाँ पहले रहते थे वहाँ के बाजू में जो नेबर थे, मतलब हमारे पुराने पड़ोसी थे, तो वो आंटी और हमारे यहाँ आ रहे हैं आज। तो पता नहीं अभी आएंगे या शाम तक आते हैं, पता नहीं। तो मैं सोच रही हूँ मैं साबूदाने के जो बड़े टाइप के नहीं होते आलू करके मिक्स करके, तो मैंने सुबह ही साबूदाना फुला के रख दिया था और वो फ्रिज में डाल दिया मैंने। और अभी मैंने आलू छील लिए हैं, थोड़ा तैयारी कर दी है कि पता नहीं अभी आते हैं तो फिर जलेबी बना दूँगी। तो बस यही है, अभी आराध्या को खाना खिलाते हैं। आराध्या का थोड़ा सा होमवर्क रह गया था, कल उसने कोई होमवर्क नहीं करा, स्विमिंग क्लास से आई और बस अपना ऐसे ही टाइम पास करने लगी। तो आराध्या अब होमवर्क कर रही है, तो अभी मटर पुलाव खाते हैं, थोड़ा बहुत किचन साफ करते हैं, उसके बाद फिर तैयारी करते हैं। अगर हमारा खाना पीना हो गया है, और जैसे कि उन्होंने बताया था कि हमारे पुराने नेबर आना था उन्होंने, बट उनको कहीं जाना पड़ा, किसी की तबीयत ख़राब थी तो वहाँ चले गए। तो उनके लिए हमने साबूदाना भी भिगो रखा था, तो मैंने कहा फिर अब उसको बना ही देते हैं, तो फिर उन्होंने वो खा लिए थे। फिर उसको खा के पेट सबका भर गया था, तो बस एक एक रोटी खाई, किसी ने नहीं खाई, किसी ने खाई। और आते हैं फिर से ड्राइंग करने में लगी हुई है। ड्राइंग का कर रहे हैं, क्या कर रहे हो फिर? मैं एक गेम खेलना चाह रही हूँ जिसमें रा लिखा होगा तो सबको पता चल जाएगा, तो ये तो इसके अंदर तो राज है, पर नहीं इसके अंदर चोर है। ये कैसा गेम है? हाँ तो आराध्या अभी वो वाला गेम खेल रहा था, राजा मंत्री चोर सिपाही ना, तो दो तीन बार आराध्या के साथ खेला है। फर्स्ट एक दो बारी तो आराध्या को अच्छा लगा, फिर बाद में बोर हो गई उसको, क्योंकि हम लोग तीन लोग ही खेलते हैं वहाँ, तो उसमें राजा और चोर और सिपाही बस रहता है, तो इसलिए फिर बार बार वही राजा चोर की पर्ची आते रहती थी, तो फिर राधा को मज़ा नहीं आ रहा, तो पता नहीं वो अपना नया ये गेम चला रही है। तो चलिए अब सोने की तैयारी करते हैं, और
इस लड़की को ना सोना नहीं है, बस सुलाओ मत उसको, और अगर सो गई ना बाय चांस तो फिर उसको उठाओ मत। अच्छा बताओ तो सबको, स्विमिंग में आपने, स्विमिंग में आप कहाँ तक सीख चुके हो? वहाँ जीरो तक। वहाँ ना मतलब अलाउ नहीं है वीडियोग्राफी करना, मतलब कुछ भी वीडियो बनाना अलाउ नहीं है, तो फिर इस वजह से इस चक्कर में मैं वीडियो बनाती नहीं हूँ, नहीं तो मैं थोड़ा बहुत दिखाती कराते हैं क्या सीखा है क्या नहीं। वैसे तो भी ज़्यादा कुछ सीखी नहीं है, थोड़ा बहुत ही आ रहा है, मतलब दो तीन बारी ऐसे कर ले रही है और ब्रीदिंग वगैरह सीख लिया है, धीरे धीरे सीखेगी, पता नहीं। एक महीना ये है, अगस्त भी चला गया, अब सितंबर और अक्टूबर फर्स्ट वीक में ही वो फिनिश हो जाएगा, मतलब ख़त्म हो जाएगा, फिर उसके बाद देखते हैं, उसके बाद आराधा जाएगी गर्मियों में। सो ये वीडियो यहीं तक था, मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय।